दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज का वीडियो का मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपको पता है काफी सारे लोग, चाहे वो बीटेक वाले हों, एमटेक वाले हों, बीसीए वाले हों, एमसीए वाले हों, या फिर कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करने वाले हों, बीई वाले हों, वो आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों में ये चीज होती है कि अगर सरकारी नौकरी होती तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि जॉब की श्योरिटी होती, सैलरी पैकेज भी ठीक ठाक मिलते हैं, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, रुतबा और जज्बा अच्छा मिलता है, और काम की एक लिमिट, एक टाइमिंग होती है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में ऐसी नौकरी कर रहे होते हैं तो आप लोगों को काफी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो आज अगर आपने बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीई या ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर लिया था, तो आपके लिए मैं कुछ वैकेंसीज दिखाना चाहता हूं। इसमें पहले आप लोगों के लिए पीजीटी कंप्यूटर की वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों का बीई अगर हो तो भी चलेगा, बीटेक अगर हो तो भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर आपने एमएससी कंप्यूटर कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने एमसीए कर रखा है, प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो भी चलेगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, बीई, बीटेक, एमएससी, इसके लिए कोई आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एमटेक हो तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर साइंस में अगर एमटेक कर रखा है तो। ये तो आप लोगों का उनके लिए है जो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पीजीटी के लिए आप लोगों के लिए बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक, ये सारी क्वालिफिकेशन है, और इसमें 9300 से लेकर 3400 का जो है ग्रेड पे 4800 वाला दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी डीएसएसबी में किस किस को नहीं चाहिए भाई, हर कोई चाहता है यहाँ। तो ये तो आप लोगों के लिए यहाँ की वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, बाकी भी काफी सारी पोस्ट इसके लिए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी करते करते लोग ऊब जाते हैं, और हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी हो, और सरकारी नौकरी पाने से पहले हम अपने सर्वाइवल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में हर कोई जाता ही है। तो इसलिए अब आप लोगों का समय वो गया, अगर आप अच्छी मेहनत करना जानते हैं या चाहते हैं, या आपके अंदर ललक है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। 2020 आपको ये एक सरकारी नौकरी ये साल आपको दे सकता है। मैं थोड़ा सा बाकी जो वैकेंसीज हैं आप लोगों की, वहां पर आपको एक बार ले आता हूँ। कुछ वैकेंसीज तो आपको मैंने ऊपर दिखाई थी, इसके अलावा भी कंप्यूटर वालों के लिए काफी सारी वैकेंसीज हैं। नॉर्मली आप देखोगे तो आप लोगों को ये दिखेगा, एक सेकंड, क्योंकि ये पीडीएफ है, काफी लंबी चौड़ी है, बहुत से रोल रेगुलेशन जिनमें आमतौर पर होते हैं, तो इसलिए मैं एक बार इसको कंट्रोल एफ कर लेता हूँ। टीजीटी कंप्यूटर, ये आपके लिए टीजीटी कंप्यूटर की भी पोस्ट है। ये देखिए, ये टीजीटी कंप्यूटर की है, यहाँ पर आपके लिए 364 पोस्ट यहाँ भी हैं, वहां आपके लिए कुछ कम पोस्ट थी, लेकिन यहाँ 364 पोस्ट और हैं। आप दोनों जगह अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके क्वालिफिकेशन है, तो दोनों जगह भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसने कहा बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी अगर आपने बीसीए किया है, बीसीए अगर आपने कर रखा है यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर था तो भी, 3 साल था, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC से कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बीसीए की आपको मान्यता है, एमसीए की आपको परमिशन दे दी, बीटेक आपके पास हो कंप्यूटर से, एमटेक आपके पास हो कंप्यूटर से, बीई आपके पास होना चाहिए, यानी इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई ना कोई तो हर किसी के पास होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इनमें से कोई भी नहीं होगा और आप इसको, आपके पास वो हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर इन लोगों ने दी हुई हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यही इसके अंदर डिजायरेबल कुछ नहीं चाहिए, एजेंशियल की जरूरत नहीं है, डिजायरेबल की यहाँ कुछ नहीं है, आपको जो क्वालिफिकेशन बताइए वो आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की जहां तक बात है, 30 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, एससी एसटी हैं अगर
ये मैं पीजीटी वालों की बता रहा हूँ, पीजीटी वालों की ज्यादा हिस्से। तो ये अगर एससी एसटी है तो 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी तो 3 साल एक्स्ट्रा, फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो 10 साल एक्स्ट्रा, और दोनों है तो फिर उसके अंदर और ज्यादा अलग से रूल्स बन जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के लिए आज मैंने दिखानी थी। मैं इनकी पूरी पोस्ट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कितनी पोस्ट है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे तो इजीली सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, एक चीज और बता दूं, स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए ऑर्डर है ऑल ओवर इंडिया में, जहां चाहिए आप बाई कोरियर भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 वाला, और मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। अपना नाम, सब्जेक्ट तो आपका होगा कंप्यूटर लिख के, और सिटी लिख करके आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो कंप्यूटर वालों की वैकेंसीज की बात हम कर रहे थे, वो पीजीटी के अंदर भी और टीजीटी के अंदर भी दोनों जगह आपको यहाँ पर दिखेंगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल के लिए यहाँ पर 10-14 पोस्ट है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए यहाँ 10 पोस्ट है। और इसके अलावा अगर आप टीजीटी के लिए जाएंगे, जिसको मैंने हाल ही में पढ़ा है, टीजीटी की अगर बात करेंगे, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में मेल फीमेल एक साथ होता है, इकट्ठा होता है, तो इसकी अगर बात होगी तो यहाँ पर 364 पोस्ट है, 364 पोस्ट हैं। इस तरीके से आप लोग यहां पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अप्लाई, अपनी नौकरी आप साथ में करते रहिए, लेकिन साथ में 2-3 घंटे, 3-4 घंटे भी नौकरी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहेंगे साथ में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि तैयारियां आपकी होती हैं, तैयारियां आपकी होती हैं, आपने सिर्फ इन कंपिटिशन एग्जाम के फॉर्मेट को पकड़ना होता है, कुछ अप टू डेट चीजें पढ़नी होती हैं, जो बोर्ड बोलता है उसी कंटेंट को लेकर के आपने तैयारी करनी है। ये चीज आपके लिए जरूरी है, और हमारे स्टडी मटेरियल में ये चीज आपको मिल जाएगी। तो आमतौर पर पूरा सेट मिलेगा आपको, जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों का। तो हो जाइए शुरू और करिए मेहनत, उठाइए फोन और कर दीजिए हमको कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज।